दूसरे मित्र मेरे हैं राजा काशिफ साहब। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप ये तमाम हालात पर? देखिए आज एक झटका तो हमने दे दिया कनाडा को, 41 निकाल दिए, कहीं ये दूसरा नंबर आपका ना हो। मालूम पड़ा ऊपर से ही गए, राफेल आ गए हमारे पास, इधर से ही बम बरसा देंगे, सीधे उधर गिरेगा। कनाडा ने दिया तो लग पता जाएगा आपको। जी मैं अर्ज करूं अब आपकी इजाजत? अर्ज करिए साहब। अच्छा, क्योंकि मैं बाज़ वक़्त अर्ज करता हूं तो आपकी नींद ही उड़ जाती है, फायदा क्या। अच्छा, तो आप लोगों से बात करके अच्छी नींद सोता हूं, चैन की नींद। वाह सर, चले अच्छी बात है, सोते हैं, लेकिन आपने जो हमारे पास छोड़ा हुआ बंदा उसको चैन की नींद नहीं आती। और भारत, अच्छा सर देखिए बुनियादी बात, पाकिस्तानियों को चैन की नींद नहीं आती डॉक्टर साहब। अरे वो एक जो कलभूषण है उसको नींद नहीं आती रात को, उसके लिए भी कुछ सोचें, उसके बारे में आप सोचते नहीं, क्यों नहीं सोचते यार? बोलिए, मैं आपको दिल नहीं करता, आपका भारती नहीं है वो सर, अपने बंदे आपके पकड़े जाते हैं, आप कहते हैं नींद। सर देखें, हम कनाडा नहीं है जो सी से और के से करेंगे ना, हम भारत है के भारत करें और इंडिया करें। सर ये पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान स्थान का मतलब पाक लोगों की जमीन। हमारे पास कोई नापाक इरादों से आएगा वो बिल्कुल पकड़ा जाएगा। आप देखें कलभूषण दाऊद इब्राहिम के इरादे बड़े पाक थे, उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं। डॉक्टर साहब ये दाऊद इब्राहिम के इरादे बड़े पाक थे, ये हाफिज सईद के इरादे बड़े पाक है जिसने 26/11 करवाया, बड़े पाक इरादे हैं। बिल्कुल हाफिज सईद साहब पाक, सारे पाक इरादे वाले दिख रहे हैं मुझे। एक ये जकीउर रहमान लखवी दिख रहा है, एक वो दिख रहा है आपका आपका सैयद सलाउद्दीन जिसको आप हमारे यहां से भगा के ले गए। ओसामा बिन लादेन के, अच्छा देखें मैं अर्ज कर लूं इजाजत हो। हाँ बोलिए बोलिए राजा साहब। मतलब मुझे भी, आपका नाम ही राजा है, आपको कौन रोक सकता है? अरे सर देखें, हम खचतरी हैं, हम राजपूत ठहरे, आप हमें कैसे रोकेंगे? हम ब्राह्मणों के हाथ हम आने वाले नहीं है। अच्छा देखें बुनियादी चीज ये है, अच्छा इस्लाम में भी राजपूत होते हैं डॉक्टर साहब कि कन्वर्ट हुए थे आप? सर देखिए आप इस्लाम आपको मना थोड़ी करता है, आपके बाप दादा कन्वर्ट हुए राजपूत से इस्लाम में? बताइए ना राजा साहब, अरे आपने ही कहा मैं ठाकुर आदमी हूँ, राजपूत आदमी हो, कितने साल पहले कन्वर्ट हुए थे, कितनी जनरेशन पहले? सर 1000 साल हो गए हमें, ठीक है। अच्छा बड़े मजे की बात आपको, सर हम कोई ब्राह्मण थोड़ी हैं, पहले तो आप सनातनी थे ना, सनातनी हिंदू वही थे ना डॉक्टर राजा साहब, ठाकुर जी जी मैं राजपूत कर लूं? नहीं आप ही ने बोला तो पूछ रहा हूं मैं। सर मैं अर्ज कर दूं? ना ना करिए, इजाजत है मुझे? अच्छा लगा मुझे आपको मालूम पड़ा, 1000 साल पहले आप सनातनी थे, बाद में आप मुसलमान बने। सर अल्हम्दुलिल्लाह बने तो। अच्छा दूसरी बात ये बड़ी अर्ज करूं कि बुनियादी बात ये कि आप नाम लेते हैं, ये भी वांटेड वो भी वांटेड, सवाल ये है कि आप मुल्क का टैक्स का पैसा दे रहे हैं रॉ को, जो रावण है बुनियादी तौर पे, हम उसको रावण कहते हैं क्योंकि वो आप लोगों के लिए वो तो ब्राह्मण तवा के लिए काम कर रही है, हिंदुओं के। कल का आपका प्रोग्राम ही देख ले, बेचारे दलित भी रो रहे थे आपके प्रोग्राम में कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो कहने का मकसद कि उस रावण को कहें कि उठा लेना, क्यों नहीं जोर है पूरे मुल्क में वो मसले कहते हैं जी ये भी है वो भी, आप भी कनाडा की तरह बातें करते हैं जी ये हो गया वो हो गया। सर बातें ना करें, प्रैक्टिकल करें। मतलब कनाडा गलत बात करता है ना, यही कह रहे हैं कनाडा गलत बात करता है, यही कह रहे हैं ना सर? पाकिस्तान तो आपको नहीं कह रहा कि उसके पास कोई भी चीज है सर, ऑफिशियली पाकिस्तान। देखे मैं कोई हुकूमत पाकिस्तान का या फॉरेन मिनिस्टर, पंचतंत्र में कहानी पढ़ी है, कहानी क्या है? आपने ही पढ़ी होगी 1000 साल पहले, आपने ही पंचतंत्र पढ़े होंगे जब आप राजपूत होंगे, कन्वर्ट नहीं हुए होंगे, आपने भी वो कहानी पढ़ी होती, उसमें ये कहा जाता है, उसमें उसका ये है कि कहानी का मोरल क्या है, मोरल ये है कि चोर अपने आप को कभी चोर नहीं बोलता, तो आप कैसे बोलेंगे हम चोरी करते हैं? सर तो आप क्या कर रहे हैं, आपका देखे कलभूषण हमारे पास है और पकड़ा गया है, हम देखे हम में तो दम है, हम बंदा पकड़ लेते हैं, हम तो कहीं से बिल से भी हमने निकाला, कैसे छोड़ा था आपने हमारे पायलट को, कैसे छोड़ा था आपके पायलट को? सर अभिनंदन तो इतनी अच्छी, और कैसे हाथ कांप रहे थे, कैसे पांव कांप रहे थे शाह महमूद कुरैशी के, किसने बोला था? अरे नेशनल असेंबली में किसने बोला था? निकालो ना वो बाइट निकालो, और नवाज शरीफ को भी निकालो कि कटोरा लेकर खड़े हैं भिकमंगे बन के, दोनों बाइट निकालो, ये भी हाथ, ये पांव कांपने वाली भी निकालो कि पांव कांप रहे थे। चौरासी साहब जो चाहे निकाले, आज हम आप सामने, हम देखिए निकालेंगे अब आपका। सर देखिए हमारी लव और हेट रिलेशन है, याद रखिएगा, मोहब्बत भी और नफरत भी है हमारी, नफरत आपने वाली, मोहब्बत हमने की। वाह अबीर दारा आपने बनाई, लड़का हमने भेजा शोएब, सही है लड़की आपकी थी,
सही है, तो हमारी आप तो आई है लड़की वाले। आपकी आई एक सीमा है इधर, यही है 25 किलोमीटर पे इधर। ऐसी बातें करते हैं आप लोग, मैं क्या बोलूं अब, मैं क्या बोलूं दीपक बोरा साहब, मैं जो है अब मैं चुप रहूंगा अगले 5 मिनट। अब दीपक बोरा साहब बोलेंगे, अब दीपक बोरा साहब बोलेंगे, बताइए सर क्या होगा, अब इनका क्या इलाज है बताइए, ट्रूडो का इलाज क्या है, उसके बाद पाकिस्तानियों का इलाज होना चाहिए कि नहीं, एम्बेसडर साहब अपने अनुभव से बताइए। उनसे पूछे बोले खामोश हो जाए डॉक्टर साहब, खामोश हो जाइए ना, मैं चाहता हूँ आपके बीच में ना बोलूं, पर आप ऐसी ऐसी बातें करते तो मेरे को बीच में बोलना पड़ता है। छोड़िए, आइए जीन।